हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार, योर फेवरेट एजुकेटर। बच्चों, अगर तुमको अपने जेईई मेन 2025 में अपनी सीट को सिक्योर करना है तो बेटा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पर आपको अभी से फोकस करना होगा। अगर बेटा उस पर फोकस नहीं किया गया तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। बेटा एटलीस्ट एक बार इस वीडियो को देखें, चीज़ों को समझें। अगर बेटा समझ में आए बातें तो फॉलो करें, अदरवाइज फॉलो ना करें। बिल्कुल क्लियर बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, पहले वीडियो को देखें, चीज़ों को समझें। अगर लगे कि हाँ फॉलो करना चाहिए तो करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं फॉलो करने का। तो चलिए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारा सिलेबस, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस से ही हमारा सिलेक्शन डिसाइड होता है और डिसाइड नहीं होता है। क्योंकि बेटा अगर तुमने सिलेबस को प्रॉपर वे में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स के सिलेबस को, केमिस्ट्री के सिलेबस को, मैथ्स के सिलेबस को, तो सिलेबस को अगर आपने प्रॉपर वे में किया हुआ है तो ये पक्का तय है कि आप सिलेक्शन के टूवर्ड्स क्या पहुंचोगे। और अगर सिलेबस को अच्छे से नहीं किया है तो आप सिलेक्शन से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। तो तुम क्या चाहते हो, सिलेक्शन के टूवर्ड्स जाना या सिलेक्शन से दूर होना? ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन के टूवर्ड्स जाना चाहेंगे ना। अगर सिलेक्शन के टूवर्ड्स जाना चाहेंगे तो क्या करना है, सिलेबस पर फोकस करना है। अब बात आती है भाई सिलेबस पर क्या फोकस करना है, समझिएगा ध्यान से। तो देखो सिलेबस आपको पता है कि भाई फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है एंड मैथ्स का अलग है। अब आपको बेटा करना क्या है, सिलेबस का एक शेड्यूल बनाइए कि भाई मुझको जुलाई में कितना पढ़ना है, अगस्त में कितना पढ़ना है, सितंबर में कितना पढ़ना है, अक्टूबर में कितना पढ़ना है एंड नवंबर में कितना पढ़ना है एंड लास्ट दिसंबर में कितना पढ़ना है। मीन्स हमको क्या करना है, हमको कैसे भी करके अपने सिलेबस को दिसंबर तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और वो क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट में करना है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड मैथ्स में। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक रह जाता है तो सिलेक्शन में आप क्या पीछे हो जाओगे। बेटा देखो, आईआईटी की सीट अगर बेटा सिक्योर करनी है तो इन चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस को अलग अलग नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो फिर एक चीज़ यही होगी कि तुम चीज़ों से दूर होते जाओगे। अब तुमको चीज़ों से दूर होना है, चीज़ों के पास आना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो मैं तुमसे बस यही कहूँगा, पहला स्टेप क्या है, एटलीस्ट अपने होल सिलेबस को, फिजिक्स के सिलेबस को, केमिस्ट्री के सिलेबस को एंड मैथ्स के सिलेबस को क्या है, दिसंबर तक डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जब बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूट सिलेबस हो जाए फिर क्या करना है, आपको अपने जो मंथ का सिलेबस है उस मंथ के सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब मंथ के सिलेबस को क्या करना है, अपने 4 वीक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। आपको पता है कि भाई वन मंथ में मुझको मान लो 3 चैप्टर्स करने हैं फिजिक्स में, तो मैं क्या करूँगा, उन 3 चैप्टर्स को अपने वीक्स में डिवाइड कर लूँगा कि भाई एक वीक में एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए, नेक्स्ट वीक में एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए। अगर आप एक बड़े सिलेबस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो फिर आपको पता है कि मुझको इस वीक में क्या करना है, जुलाई के 1st वीक में क्या करना है, जुलाई के 2nd वीक में क्या करना है, जुलाई के 3rd वीक में क्या करना है, जुलाई के 4th वीक में क्या करना है। अब बेटा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को जो है बाद में देखेंगे, तो बेटा उनको अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अगर बेटा आप वीडियो को अगस्त में देख रहे हो तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक अपने वीडियो को, अगस्त से लेकर दिसंबर तक अपने सिलेबस को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। अगर आप सितंबर में वीडियो देख रहे हो तो बेटा आपको अपने सितंबर से लेके अपने दिसंबर तक सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। कहने का मतलब ये बेटा, जब जागो तब सवेरा वाली बात यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक कुछ चीज़ें डिले हो गई हैं तो अब पीछे का भूल जाइए कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब आगे जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते पर आपको चलना है। अगर आप सिर्फ पीछे के बारे में सोचते जाएंगे, यार काश पहले पढ़ ली होते तो अच्छा होता, काश पहले ये कर लेते होते तो अच्छा होता, तो अगर आप काश के चक्कर में रहोगे, काश पहले ऐसा हो जाता तो फिर आप पीछे रह जाओगे। आपको काश में नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है कि अब क्या है और अब मुझे क्या करना है, क्योंकि आज जो मैं करूँगा वही फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है। कि अगर मैं अभी प्रॉपर वे में, अगर सिस्टमेटिक वे में थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे पास मेरा IIT की सीट, NIT की सीट, IIIT की सीट, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज सीट, ये बेटा सिक्योर हो जाएगी। बस ध्यान ये देना है, पूरी मेहनत के साथ आपको अपनी तैयारी में लगना है, अपने जो स्मॉल टारगेट्स हैं वीक वाले टारगेट्स उनको पूरा करना है।
और ध्यान देना है बेटा, सिलेबस में जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बुक पढ़ रहे हो, इसके बेटा जो पी वाई क्यू क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको ज़रूर करें और बेटा चैप्टर वाइज करें। फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है तो आप उसके क्वेश्चंस कर लें, अगर आपने ऑप्टिक्स पढ़ लिया है तो बेटा ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस कर लें। मेन मतलब है बेटा, जो पढ़ लिया है उसके एटलीस्ट बेटा क्वेश्चन भी तो कर लो, क्योंकि बेटा एग्जाम में यहाँ थ्योरी ज़्यादा काम नहीं आने वाली है, ये बिल्कुल रियलिटी में तुम बता रहा हूँ। एग्जाम में काम आते हैं कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है, न्यूमेरिकल कब गलत हो जा रहा है कब सही हो जा रहा है ये चीज़ें देखना है, रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम को कैसे अप्लाई करना है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें आपको क्या है देखना होगा। अगर बेटा वो सारी चीज़ें देखोगे तो रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, और रिजल्ट पॉजिटिव होंगे तो बेटा सिलेक्शन की आपकी जो सीट है वो पक्का सिक्योर हो जाएगी। एंड बेटा जो मैथ्स का पोर्शन है, मैथ्स के पोर्शन में भी बेटा आपको एटलीस्ट फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न करने हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लर्न करने हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, आपको मैट्रिसेस कैसे सॉल्व करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व करना है, ये सारी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए, और क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होगा वो आपको आना चाहिए। देखो क्वेश्चन ट्विस्ट कैसे होगा वो पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी होगी तो हम कभी पता कर नहीं पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या है, क्वेश्चंस को ट्विस्ट करना आपको क्या है आ जाएगा, और क्वेश्चन को ट्विस्ट करना आ जाएगा तो फिर क्या है, क्वेश्चंस को आप फॉर्म भी कर सकते हो। और बेटा एक बार क्वेश्चन को फॉर्म करना सीख लिया तो बेटा तुमको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। तो वीडियो के एंड में तुमसे बस एक चीज़ यही कहूँगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जितना समय बचा है जो दिख रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करना है इस चीज़ के बारे में सोचना है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि भाई समय निकल गया है अब इतना समय बचा है क्या इतने में हो पाएगा। बेटा एक चीज़ ये समझो, अभी तुम्हारे सामने तुमको क्या दिख रहा है, अभी तुम्हारे सामने तुमको दिख रहा है सिर्फ वक्त, कि कितना वक्त बचा हुआ है। बेटा एक चीज़ ये सोचो, जो भी वक्त बचा हुआ है अगर हम उसमें आज बेटर करें तो क्या बेटर नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अगर हमारे पास थोड़ा टाइम कम बचा तो हम पढ़ने के जो घंटे होंगे, जो नंबर ऑफ आवर्स होंगे वो थोड़ा बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत की बात है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। तो बेटा मैं तुमसे बस यही कहूँगा, अगर आप बेटा सिलेबस पर अच्छे से फोकस करते हो तो बेटा सिलेक्शन तुम्हारा बिल्कुल पक्का है, तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल बेटा गारंटी के साथ होगा। और बेटा वीडियो के एंड में तुमसे बस यही कहूँगा कि बेटा कोई भी तैयारी, कोई भी लक्ष्य आपके साथ से बड़ा नहीं होता है, अगर आप प्रयासरत रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली वो मंजिल तक आप जरूर पहुंचेंगे। और बेटा मैं तुमसे यही कहूँगा कि मेहनत में लगे रहो, तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ो, सब कुछ पॉजिटिव होगा लाइफ में बेटा। और कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, मान लो इतना मेहनत का सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेटा डरना नहीं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम बेटा तुमको मेहनत करने की एक जो ताकत है वो तो आ जाएगी बेटा। जिस बंदे के अंदर मेहनत करने की ताकत होती है वो बेटा बड़े से बड़ा मुकाम क्या छू सकता है। तो ये कभी ना डरना सिलेक्शन नहीं हुआ तो, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा ज़्यादा भाई, IIT में सिलेक्शन होगा तो क्या होगा भाई, NIT में होगा, NIT में नहीं होगा तो IIIT में होगा, IIIT में नहीं होगा तो स्टेट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में वहाँ होगा, वहाँ नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेजेस में होगा, लेकिन होगा तो। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी टाइम फ्रेम है उसको यूटिलाइज करना है, अपने पॉजिटिव पर काम करना है, अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और बेटा अगर तुम IIT के लिए कानपुर में कोचिंग बेटा सर्च कर रहे हो तो बेटा तुम लोग RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बेटा IIT की तैयारी काफ़ी अच्छे से करवाई जाती है। और बच्चों अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोग आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।